एनीमिया मुक्त भारत अभियान पाजगांव की ग्राम पंचायत हॉल में लिया गया। इस मौके पर तहसील स्तर के मुख्याध्यापक और अध्यापक मौजूद थे। स्कूल व्यवस्थापन कमेटी अध्यक्ष बीडीओ कोल्हे बीओ जाधव के साथ साथ बड़ी संख्या में मुख्याध्यापक और सरपंच उपस्थित थे। आए दिन जिला परिषद के स्कूलों की जो हालत बनी है उसको सुधारने के लिए विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति दायरा बढ़ाने के लिए साथ ही कमजोर विद्यार्थियों को और भी ताकतवर बनाने के लिए स्कूलों की अध्यापक अध्यापिका और विभागीय कमिश्नर शिक्षणाधिकारी इन्होंने जिला केंद्र प्रमुखों की सभा ली थी। आए दिन जिला परिषद के स्कूलों की जो हालत बनी है उसको सुधारने के लिए विद्यार्थियों शिक्षा के प्रति दायरा बढ़ाने के साथ ही कमजोर विद्यार्थियों को ताकतवर बनाने के लिए स्कूलों के अध्यापक अध्यापिका को की विभागीय कमिश्नर विद्या शिक्षणाधिकारी इन्होंने जिला केंद्र प्रमुखों की सभा ली थी, जिसमें यह तय किया गया था कि हर जिला परिषद के स्कूल की सभा सरपंच बीडीओ पंचायत समिति और पंचायत समिति के सदस्यों की उपस्थिति में हो और शिक्षकों को यह हिदायत दी गई थी कि वे विद्यार्थियों को जिस विषय का ज्ञान नहीं है या फिर उसे समझाने में जो भी अड़चने आएगी वो मुख्याध्यापक और शिक्षक दूर करेंगे। इस मौके पर कई शिक्षकों ने मुख्याध्यापकों ने अपनी अड़चने अधिकारियों को बताई और उसे हल करने का काम वीडियो कॉल ले इन्होंने किया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्र सुरेश डोंगरवार इन्होंने अपनी बात रखी। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आए दिन शिक्षा को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती है, लेकिन शहर का पाजगांव एक ऐसा गांव है और वहां पे जो कुछ तहसील जो आते हैं उनके अंतर्गत आने वाले जो जिला परिषद की जो स्कूल है उनकी काफी अच्छी हालत है और जो अध्यापक है काफी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। अब वक्त जो है जो संख्या जो चाहिए वो विद्यार्थियों की पूरी होती नहीं, जिसके चलते अब लोग ये चाहते कि जिला परिषद से अच्छी स्कूलें कॉन्वेंट की होती है, मगर कॉन्वेंट की क्यों होती है? इसका वजह एक है क्योंकि कॉन्वेंट में बैठने के लिए एक अच्छी जगह होती है क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल होती है। जिला परिषद ने भी यह पहल करना चाहिए, अच्छे रंग पेंटिंग करना चाहिए, बैठने के लिए बच्चों के लिए अच्छा आसन चाहिए, उनको कपड़ा उनका यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं होता, एक जैसा यूनिफॉर्म देना चाहिए, समय पर किताबें हैं वो मुहैया करवा देना चाहिए। ये जिला परिषद का काम है। जिला परिषद के शिक्षक दिलो जान से काम करते हैं ताकि हमारे शहर का हमारे इस गाँव का बच्चा पढ़े लिखे और नौजवान बने, देश के कामकाज है। यह हर किसी को लगता है और उसके लिए काफी अच्छा ये हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। इस समय में पाजगांव के एक ऐसे सभागृह में आए जहां पे एनीमिया मुक्त भारत अभियान यहां पे मनाया जा रहा है। ये तमाम लोग यहां पे हम सीधा इस समय में वीडियो कोल्हे जी हमारे साथ में उनसे जाना चाहेंगे। कोल्हे साहब ये बताइए कि शिक्षा को लेकर आज जो स्तर गिरते जा रहा है ऐसा लोगों का मानना है, आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? पाजगांव जो यहां केंद्र है यहाँ पर मैंने आज 3 केंद्र की एक मीटिंग बुलाई है और यहाँ पर सारे मुख्याध्यापक शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष और इस एरिया के सारे सरपंच और मेरे साथी जो गठित शिक्षण अधिकारी है और यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हमने इसी बात पर आज डिस्कस किया कि अभी हमने एक अध्ययन निष्पत्ति का एक कार्यक्रम माननीय आयुक्त के मार्गदर्शन पर जो चल रहा था उस पर हमने एक काम किया है कि हमें आने वाले इस महीने में करीबन 90% तक के हमारे जो विद्यार्थी है उनका स्तर लेके जाने के लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। ये बताइए जादव साहब कि विद्यार्थी की जो संख्या जो कम दिन ब दिन कम होते जा रही है इसका मुख्य कारण क्या है और इसको कैसे पूरा कर सकते हैं आप? एक्चुअली विद्यार्थियों की संख्या जी जिला परिषद शाळेमध्ये जी होती आधी त्याच प्रमाणात आता सुद्धा आहे, पण आजच्या स्थितीत जिल्हा परिषदेची शाळेची गुणवत्ता एवढी वाढलेली आहे ऍक्च्युअली हां, पण ते लोकांना असं वाटतं की कॉन्व्हेंट शाळा झालेली आहे इकडे जिल्हा परिषद शाळा कॉन्व्हेंटमध्ये जास्त थोडा ओढ असल्यामुळे लोकांना वाटतं की कॉन्व्हेंटचं शिक्षण फार चांगलं आहे, पण ऍक्च्युअली आता जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये काही कॉन्व्हेंटचे मुलं या वर्षात सुद्धा जिल्हा परिषद शाळेमध्ये सुद्धा प्रवेश घेतलेले आहे आमच्या जिल्हा परिषद शाळेला। तर आता अशी स्थिती आहे की आमचे जे शिक्षक आहे एवढं मोठं मोलाचं कार्य चालू आहे त्यांचं की सर्व विद्यार्थी जवळपास या वर्षात 90%च्या वर सुद्धा प्रगत होण्याच्या मार्गावर आहेत। सर आप बताइए डॉक्टर डोंगरवार साहब इस समय में हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर डोंगरवार साहब एनीमिया मुक्त भारत अभियान ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताइएगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे राष्ट्र में पूरे भारत में चल रहा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा बॉडी अगर अच्छा रहता है साउंड बॉडी इन स्मार्ट एंड स्मार्ट माइंड, तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपने को यहाँ गांव खेड़े में नहीं रहते हुए अपन इस देश की प्रगति के लिए हर बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो हर बच्चे को पढ़ने के लिए उसको
उसकी बॉडी सुदृढ़ होना चाहिए, तभी उसके सुदृढ़ बॉडी में अच्छा सुदृढ़ माइंड रहेगा और वह आगे उसका आईक्यू डेवलप होगा। आईक्यू डेवलप होने के बाद में वो अच्छा सोच पाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या बनना है। आजकल बच्चे तो यूं ही स्कूलों में जाते हैं और बसेस भी आती लेके जाती घर छोड़ देती है, लेकिन जो स्तर है शिक्षण का सिर्फ 12वीं के पास हो जाते हैं और 12वीं के बाद में वो जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। डिग्रियां हो जाती है लेकिन वो डिग्री नहीं मिलती जो अपन देश के लिए कुछ कर पाए। मैं आज ये चाहता हूँ कि ये एनीमिया मुक्त भारत अभियान में ये सभी शिक्षक, हमारे BDO साहब, BO साहब, यहाँ के सरपंच और आप तमाम केंद्र प्रमुख हैं और ये सब लोगों ने अगर बीड़ा उठाया और ये किए तो मुझे यह है कि हमारे उमरेड तालुका में या हमारे नागपुर जिले में या पूरे देश में एनीमिया रहेगा ही नहीं और वो एनीमिया मुक्त भारत करने में शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है, ये समझता हूँ और मैं आज उनको शुभेच्छा भी देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ अच्छे ढंग से की है। थैंक यू जी का परचम देश के लिए उन्होंने काफी कुछ कामकाज किया, बड़े बड़े अहदे पे है वो, इसलिए क्योंकि जिला परिषद स्कूल का जो शिक्षा का दायरा है वो सबसे अग्रेसर है, सबसे बड़ा है। पांचगांव से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इंडिया न्यूज़ नागपुर।